मैं तो माँ हूँ। बोल, चल शुरू हो जा। कहाँ मिले थे तुम दोनों? एक कॉफी शॉप है, हम दोनों साथ में उस काउंटर पे पहुंचे और दोनों ने साथ में चीज टोमेटो सैंडविच मंगाया। लेकिन उस दिन सिर्फ एक ही सैंडविच बचा था। वो जो काउंटर वाला था ना, वो भी कंफ्यूज हो गया। उसने तो हमसे कहा कि आप लोग आपस में ही डिसाइड कर लो पहले किसने ऑर्डर किया है। और फिर क्या, ना वो पीछे हटी ना मैं, वहीं के वहीं खड़े थे। हम दोनों का यही मानना था कि पहले ऑर्डर मैंने ही किया। फिर दो तीन घंटे गुजर गए और दोनों में से कोई वहां से हिला नहीं। फिर फाइनली जाके शटर गिरने का टाइम आ गया और तब बात खत्म हुई। जब वहां से निकले ना, तो दोनों ने एक दूसरे को ऐसा लुक दिया कि अगर दोबारा मिले ना तो छोड़ेंगे नहीं। और वही हुआ, देखना, दोबारा मिले और तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। हे, मान गई मैं तुम दोनों को, तुम दोनों एक जैसे हो, मतलब एक नंबर की जिद्दी अड़ियल। वो तो हमें, और हम दोनों की जो ये जिद है ना, वही हमें कनेक्टेड रखती है, हमारा कनेक्शन। तो फिर ये इसी समझ के साथ एक दूसरे का ये कनेक्शन है ना, वो संभाल के रख, कितना आसान है। सुन, आज वासुबेन आई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, पूरी दुनिया, समझा? चल तैयार होते हैं, सबसे पहले घर जाएंगे, आराम से चाय नाश्ता करेंगे और फिर तैयार होके जाएंगे मूर्ति भाई के घर पे। चल मेरी चीजें ले लेती हूँ बेटा। श्योर ना वेंकी, तुम आज शाम दासरा पूजा के लिए आ रहा है ना? ऑफ कोर्स आंटी, अगर आप बोल रही हैं दो स्ट्रीटर्स मिल भी थे हो, देन आई एम कमिंग फॉर श्योर। ओके ओके, शाम को मिलते, बाय। अमीनू, वन मिनट, ये देखो रोहन का मदर तुम्हारे लिए कितना सुंदर जैकेट भिजवाया। आज पूजा में तुम यही पहनना। आई एम श्योर अक्षय को ये जैकेट तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अक्षय आ रहा है आज पूजा में? यस, आ रहे। मुझे मालूम है कि आजकल तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बट यू डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो, तुमको और अक्षय को हामी मिलाएगा। सच में? या, थैंक यू। आई विल वेट फॉर यू अक्षय। We are going to your appa's house for दशहरा celebration. अक्षय, काकू और रोहन अप्पा के दशहरा पार्टी के लिए निकल रहे हैं। I also have to be there and we're already late. Let's go. Okay, okay. Relax. Deal अभी finish हुई है। वो manager को coffee पे कुछ discussion करना है, okay? So we have to stay back. And तुम तो project head हो, right? That manager fellow? Yeah. Here's the thing, अक्षय. All the while जब मैं presentation दे रही थी ना, वो manager मुझे weird looks दे रहा था। He made me feel very uncomfortable. मैं उससे नहीं मिलूंगी यार। Besides, अगर वो ये project कर रहा है ना, तो I don't want to be uncomfortable and do this project. Come on यार चीनू, वो manager जो है ना, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। He was really impressed with your work and the fact that you are so pretty and smart. इस business में लोग ऐसे ही होते हैं यार। उनको समझने में तुम्हें थोड़ा time लगेगा, but you'll understand that. Listen, you are very beautiful. तो उस बिचारे की क्या गलती है? Don't say all of that यार अक्षय। क्यों? रोहन तुम्हें नहीं कहता? Shut up. या उतना नहीं कहता जितना तुम deserve करती हो? He admires me in a very special way, not just through words, okay? और मैंने तुम्हें बोला ना that I'm uncomfortable. तुम्हें मुझे insist नहीं करना चाहिए to have coffee tea with him. Anyway, you're my boss and I'll take it as an order. चलो, let's just meet him and then have to leave.
रोहन, कम 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 बेटा, वेलकम वेलकम, नमस्कार। कैसे हो सब? अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ओ देवी माँ। Well done, my son. Finally, business start कर दिया तुम। It's a proud moment for us. Thank you. नमस्कार काकू, कैसी है बेटा तू मीनू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बस ये जैकेट के लिए थैंक यू, आई लव इट। अरे टिप टॉप लग रही है, इतना जच रहा है तुझ पर। थैंक यू सो मच। देवी का दर्शन करते? यस यस कम। मीनू चीनू का है, अब तक आई नहीं। कहां से? वो आउट ऑफ टाउन गई है ना अक्षय के साथ किसी असाइनमेंट के लिए, वो डायरेक्टली यही आने वाली थी। मीनू, वेट वेट बेटा, ये इतना वंडरफुल जैकेट निकाल क्यों रहे तुम? कौशल्या गढ़वी जी ने कितना मेहनत से बनाया इसे। आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। मैं बताता है सबको। अटेंशन प्लीज, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल जैकेट? जो काम बड़ा बड़ा डिजाइनर लोग करते हैं, वो काम ए मिसेस कौशल्या गढ़वी एक हाउसवाइफ ने इतना इजीली कर दिखाया। कौशल्या जी, ये डिजाइन आपने खुद अपना हाथों से बनाया ना? कितना टैलेंटेड है आप, ये बात आपका ये जैकेट का डिजाइन प्रूफ करता, वंडरफुल। लेकिन ये जो डिजाइन है ना, वो मेरा नहीं है, वो मैंने तो दैट्स माइन। क्या बोल रहे है तुम? कौन है तुम? आई एम द डिजाइनर जिसका ये डिजाइन है। सच अ सिंपल एंड इनोसेंट लुकिंग वुमन, इन्हें देख के कोई कह सकता है कि दिस वुमन डज फेक ब्रांड का इल्लीगल बिजनेस। हे मिस्टर, व्हाट आर यू सेइंग? आई एम सेइंग दैट दिस इज माय डिजाइन, जो इसने कॉपी किया है, यू अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज गिव मी द जैकेट? एक्सक्यूज मी, दिस इज माय डिजाइन। जिसे सिर्फ कॉपी नहीं किया बल्कि उस पर मेरा ही डुप्लीकेट लोगो लगाया है। तुम जैसे लोग हम बड़े डिजाइनर्स के ओरिजिनल डिजाइन को कॉपी करके मार्केट में सेल करते हो और इल्लीगल तरीके से पैसा कमाते हो और हमारा लाखों का नुकसान होता है। एंड दिस इज अ क्राइम। एंड यू बोथ आर क्रिमिनल्स। आपने कुछ गलत फहमी होगी, गड़बड़ है कुछ, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, तुम समझा ना जरा। देखिए हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। Maybe I should call the cops. अयो देवरे, नानो पुलिस को मत बुलाना। हमारा बड़ा डॉटर का फ्यूचर, उसका लाइफ का सवाल है। आई डोंट केयर, अब पुलिस ही डिसाइड करेगी यहाँ पे किसका क्या फ्यूचर है। Listen, I know कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद पता लगाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। One minute.
प्लीज आई थिंक ही इज राइट. आपको जरूर कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ है. ऐसा नहीं हो सकता. प्लीज डोंट कॉल पुलिस. पुलिस को मत बुलाओ. सागर, सागर कहाँ रह गया? मैंने कॉल किया था उसे. आया. सागर सुन. सागर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार. ये सब जो ना, ये सब प्रूफ है. पुलिस आने के पहले ये सब एक जगह इकट्ठा कर. मैं आ रहा हूँ. ओके. रोकिए ना वेंकी को. अब तो सबके सामने वो माँ बेटे को लेसन मिल गया ना. अब ये पुलिस क्यों? यस यस वेंकी, एकदम सही रिपोर्ट किया आपको. मैं उसके वर्कशॉप का एड्रेस भेजता हूँ. आप अपना आदमी भेजो उधर. ओके ओके. ऑफिसर था, वेब गुड्स का केस हैंडल करता है. वो इलीगल काम को रोक के देश का सेवा कर रहा है. वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमको हमारा ड्यूटी करना चाहिए ना. सो मैं किए. पर चीनू, अब चीनू का क्या होगा? चीनू का क्या होगा? वासो, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो. फाइनली अब उन माँ बेटा से मेरा डॉटर चीनू का पीछा छूटेगा. और तुम बोल रहे क्या होगा? कोई तो ऐसा बात बोला करो जब हमको लगे कि तुम मेरा वाइफ होने का लायक है. बट ऑलवेज तुम हमको डिसअपॉइंट किए. यस सर ओके सर. कॉन्स्टेबल गाड़ी निकालो, रेड पे चलना है. यस सर. रोहन, ये केरोसिन क्यों लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है तू? सागर क्या कर रहा है तू? मैंने बोला था ना ये सब इकट्ठा करने के लिए. पुलिस कभी भी आती होगी यार, जेल हो जाएगी हमें. नहीं रोहन, आई डोंट थिंक सो हमें ये सब करना चाहिए. दिस इज नॉट करेक्ट. फोटो क्यों खींच रहा है तू? सबूत के लिए. इस वजह से हाथ में पकड़ के कैमरे में देखिए ना, आपका फोटो क्लिक करता हूँ. अभी नहीं बेटा, काम के बीच में नहीं. प्लीज मैम, प्लीज, मेरी माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी. कम ऑन आंटी जी. ये तो कब से मेरे पीछे पड़ा है, फोटो ले रहा है, वीडियो करवा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं करना है. तू करना क्या है? क्या करना क्या है? माँ को जेल भेज देना है. हाँ, ये वही चाहता है. यही चाहता है वो. ये देख, ये जो लेबल है जो तूने दी थी, वो लेबल नहीं है. ये इससे बदले है लेबल. नहीं आंटी ऐसा. अरे क्या चुप. वो पटेल भाई, जब उनको पूछा था कि आप धंधे पे लगा रहे हो रोहन के आपका पैसा, तो वो चौंक गए थे. अब समझ में आया क्यों चौंके. इसको भी पूछा तो ये गोल 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 बातें करके सबको घुमा रहा था इतने दिनों से. जो हमारे सारे बिल है सबकी फोटो लेता था अपने फोन पे. पूछ उसको. और अभी भी जब तू कह रहा था ना कि ये सब हटाओ, तब चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा, हिला नहीं. क्योंकि ये चाहता है कि पुलिस यहाँ आए. सच्ची पता ये गोल गोल बातें मत कर. पता सच्ची. आंटी ऐसा नहीं है. देखिए
इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, मैं तो बस रोहन की मदद कर रहा था आंटी, और मैं क्या हेल्प कर रहा था, क्या हेल्प कर रहा था, बस हो गई तेरी हेल्प। और अब सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? सच ये है रोहन की मेरा ना काम ऐसे चलता है इस शहर में, लोग आते हैं बाहर से यहाँ बिजनेस करने, पैसा कमाने, और मेरी पॉकेट का भरना ना तुम जैसे लोगों पे डिपेंड होता है। और इन सब के बीच में ना मैं ये सब उल्टा रास्ता सीधा रास्ता ये सब नहीं देखता हूँ। एनीवेज अब तू ना मेरे पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि थोड़ी देर में पुलिस आती है। सागर, सागर, क्या करेगा तू? अब क्या कर रहा है रोहन? रोहन क्या कर रहा है तू? ये सब मत कर, ये मत कर, तू ये क्या करेगा? माँ आप प्लीज इस समय मत पड़िए, मैंने अगर ये नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम सबके लिए। अपना नया वर्क स्पेस सब सेट कर दिया भाई मैंने, अब होगा सॉलिड इन्वेस्टमेंट, अब बस आंटी जी का एक साइन होते तो निकल पड़ी, मिशन सक्सेसफुल। अरे वाह, लिखा पढ़ी भी हो गई। आ मिस्टर गढ़वी, शाबाश शाबाश। अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, सब कुछ इतना शुभ शुभ हो रहा है, और देख आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। तेरा लोन है ना ये 2 करोड़ का, हम 6 महीने के अंदर चुका देंगे। को हाथ कैसे लगाया तुमने? ए! क्या हुआ? एक तो इल्लीगल काम किया, ऊपर से प्रूफ जलाया, अब तो डबल केस बनेगा, जेल जाओगे तुम सब 100%। नहीं, आपको सबूत चाहिए ना मोटा भाई? मेरे पास है, मैं देती हूँ। क्या कर रही है? सबूत देकर तुझे निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे को, और क्या सबूत आ जाएगा उसके पास तो फिर तू बच जाएगा ना? गिरफ्तार कर लो उन्हें। देखिए काकू, और रोहन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ मैं अक्षय, आई होप एवरीथिंग इज फाइन इन द पार्टी। इट्स ओके चीनू, पार्टी में फोन कौन यूज करता है, सब बिजी होंगे। नो काकू, मेरा फोन उठा लेती है, आई कैन सेंस इट, समथिंग इज नॉट राइट।
मैं वासु को ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो वासु, वासु रोहन और काकू है वहाँ? एक्चुअली मैं उनको काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं। आप उनसे बात करवा देंगे मेरी? वासु क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? से नो। वो रोहन और काकू? या व्हाट अबाउट काकू एंड रोहन? उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लिया। क्या हुआ? We have to go to our past place now. Okay. Fast. Okay. Fast. Okay. Yeah. Chinoo, what happened? तो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।